नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चलो चंडीगढ़। और आज हमारे साथ है पुनहाना विधानसभा से बीजेपी की उम्मीदवार नौक्षम चौधरी। सभी जो उम्मीदवार हैं वो अब चुनाव के रण में हैं और उम्मीद यही लगाए हुए हैं कि जनता उन्हें अपने मतों का प्यार दे और चंडीगढ़ विधानसभा तक पहुंचाए। कुछ यही उम्मीद नौक्षम को भी है, लेकिन इस सबके बीच लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार नौक्षम कौन है और क्या ऐसी वजह है कि हरियाणा में सबसे युवा उम्मीदवार के तौर पर नौक्षम चौधरी को बीजेपी ने पुनहाना में के चुनाव मैदान में उतारा है। तो इन सवालों के जवाब हम नौक्षम से ही जानेंगे। नौक्षम, सबसे पहले नौक्षम कौन है ये लोग जानना चाहते हैं। जी, मैं एक बहुत मामूली सी लड़की थी जिसने बाहर विदेश में एक प्राइवेट वर्ल्ड में काम करना था, प्राइवेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 10 से 5 की नौकरी करनी है। मैं उन लड़कियों में से हूँ जिनके पेरेंट्स ने ये सोचा था कि अच्छी तालीम दें, अच्छी एजुकेशन दें और सेटल करें। आई एम दी ओनली चाइल्ड, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो शादी फिर उनके मेरे पेरेंट्स ऐसा मुकद्दर सोच रहे थे मेरा जी। और बहुत एक सिंपल सी लड़की हूँ एंड घर परिवार से संपन्न होना अलग होता है, पर एज सच ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सिंपली देख रही थी एंड वी वर आस्क्ड टू वर्क हार्ड, काम करें, आप पढ़ाई लिखाई करें, एजुकेशन पे बहुत फोकस रहा। और उसके बाद आप जब चुनाव में आए तो बहुत अलग एक्सपीरियंस है। आप मदर जो है वो शादी की तैयारी कर रहे थे और बेटी ने जो है चुनाव की तैयारी कर रही जी, ये बात सही है। मेरे मदर शादी का सोच रहे थे, तैयारियों में सोच रहे थे और जब मैंने उन्हें ये बताया तो वो मजाक में लेने लगे कि ये क्या कह रहे हो। पर जब उनको लगा कि ये इसमें संजीदगी है सब्सटैंशली, मैं बहुत इसको स्ट्रॉन्ग कंटेंट कर रही हूँ और कंटेस्ट एक्चुअली करना चाहती हूँ, तो फिर वो सपोर्ट करने लगे। फिर कहते कि चलो ठीक है, अगर तुम इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो और चाहते हो कि किसी तरीके से इलाके में विकास हो, बदलाव हो, लोग उन्नति की तरफ जाएं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक ब्यूरोक्रेट फैमिली से आप आते हैं और आपकी जो पढ़ाई है दिल्ली मिरांडा हाउस कॉलेज में आपकी पढ़ाई हुई, उसके बाद आप विदेशों में भी रहे, वहाँ भी आपने पढ़ाई की, तो एकदम से अचानक से क्या मन में आया कि नहीं वापस चलते हैं अपने पैतृक गांव चलते हैं, वहाँ पे राजनीति में एक बार जो है वो कैरियर सोचा जाए और विकास के बारे में कुछ बात हो इलाके। मैं एक्चुअली कुछ 20-25 दिन की छुट्टी थी मेरे पास, मैंने एक नया जॉब ज्वाइन करना था सितंबर में, उसकी अपॉइंटमेंट में 20-25 दिन की छुट्टी थी, तो उसके लिए मैं अपने घर आई थी और मैं अपना पैतृक गांव विज़िट कर रही थी। विज़िट करके समारोह में मंच पर मुझे नुमाइंदा वहीं के हमारे आसपास के 10-20 गांव के लोग मौजूद थे, कुछ 35-40 सरपंच मौजूद थे उस टाइम। उन्होंने ये मिलके चुनाव का कि हम बेटी को अपनी बेटी को चुनाव लड़वाएंगे, ये उनका मिलकर फैसला था। और मैंने सोचा नहीं था राजनीति के लिए ये मेरे दर इस तरीके से द्वार खुले। और फिर जब मैंने उन्होंने चुनाव की बात की तो मैंने कहा अगर करेंगे, क्योंकि सिर्फ भाजपा पार्टी में मेरा भरपूर विश्वास है, तो मैं उनकी उम्मीदवारी करना चाहती हूँ। चलिए, कुछ लोग हैं आपसे बात करना चाहते हैं। आप स्वरूप की भतीजी हो ना, स्वरूप मेरे भाई हो, स्वरूप सिंह। हाँ ठीक है, चलो जहाँ वहीं प्रोग्राम बुलाऊंगा, आपको वहीं रहूँगा। चलिए, जनता का प्यार भी आपको साथ साथ मिल रहा है, बुजुर्गों का प्यार आपको साथ साथ में मिल रहा है। जो रहीसा खान है वो सामने है, मोहम्मद इलियास मंत्री रहे हैं, उनके परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो राजनीति में रहे हैं, ऐसे दिग्गजों को कैसे पटकनी देगी नौक्षम? 27 साल की एक लड़की जो अभी अभी विदेशों से आई है, राजनीति को समझने की कोशिश कर रही है। मैं तो आप सबसे बड़ी चुनौती कौन होती है? जनता होती है, जनता विधायक बनाती है और जनता विधायकों को उस सर और इज्जत मान से नवाजती है। आज की जो ये आम है, इनके मन में एक बेबसी है, बेरुखी है और उसके साथ से आकांक्षाएं जो हैं, जो इनकी पूर्व विधायकों से रही हैं, वो किसी ना किसी स्तर पर नामुकम्मल रही हैं।
तो ये बहुत निराश है। विदेश में जब आप थे जिस सेक्टर को आप छोड़कर आए थे, क्या जो प्रोफाइल था और जो पढ़ाई रही वो भी आपने विदेश में भी की है दिल्ली के अलावा? मैं एक्चुअली लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, फैशन बिजनेस, मीडिया कम्युनिकेशंस, प्रमोशंस में मैंने ये दो अलग अलग फील्ड्स में मास्टर्स विदेश से किया। उससे पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से हिस्ट्री में की थी। मॉडर्न इंडिया में स्पेशलाइज्ड हूँ मैं। हमारी बहन जो नौकसम चौधरी जी, जो उनको कैंडिडेट बनाया है, जबकि उनके साथ हम सब लोग खड़े हैं, पूरी पार्टी खड़ी है। ये बहन नौकसम चौधरी अकेली चुनाव के मैदान में नहीं है, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता कैंडिडेट के तौर पे खड़ा है। और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो पॉलिसी है, जो आज नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को और हमारे हरियाणा को पूरी दुनिया में चमका रखा है, उसी तरीका से हिंदुस्तान के जितने भी आज तक सीएम हुए हैं उनमें आज तक सबसे नंबर वन का सीएम हमारे मनोहर लाल खट्टर की गिनती होती है। मनोहर लाल खट्टर से हर मुसलमान, हर वर्ग उसको चाहता है। जिस तरीका से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोग पूरी सातु बिरादरी उसकी प्रशंसा करते थे, कुछ लोग बीजेपी की बुराई कर सकते थे लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोई बुराई नहीं करता, उसी तरीका से आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी उस इतनी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं कि हरियाणा का, मेवात का बच्चा बच्चा माननीय हमारे मनोहर लाल जी की कार्यशैली से प्रभावित है। और उसी कारण आज नौकसम चौधरी जी को भारी बहुमत से जिताएंगे और सामने वाले कैंडिडेट बिल्कुल हास्य होकर बिल्कुल निराशाजनक घूम रहे हैं। नौकसम, ये बड़ा अहम पहलू हो जाता है कि एक तरह से जो रियासतें चलती थी कि बेटा है, बाप है, फिर बेटा आया, फिर उसके बेटे आए, वो आगे दर पीढ़ी ये चलता रहा और इसी तरह की सियासत जो है कहीं ना कहीं मेवात में देखने को, तो इस सब को किस तरह से तोड़ पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं चुनौती तो रहेगी। सामने जो खड़े हैं वो दिग्गज हैं, मंत्री रहे हैं और एक 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 लंबे समय से जो है मेवात से जुड़े हैं, तो इस चुनौती को किस तरह से देखें? ठीक है, दिग्गज रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, तो एक बात यहाँ पे ये आती है कि जब दिग्गज हैं तो कुछ काम कराएं, लोगों को तसल्ली मिली हो, लोगों को ये आकांक्षा है। अगर उनकी तसल्लियाँ भरपूर उस जमाने में पूरी हुई होती तो आज वो मुझे समर्थन ना दे रहे होते, तो वो ये कह रहे होते कि जिन्हें हमने चुनाव किया वो हमारे मंत्री भी बने, उन्होंने हमारे सारे काम किए, हमारा ये विकास किया, ये हमारे इतने लोगों को नौकरियां दी, ये मुकदमे बंद कराए, ये अपराध बंद कराए, थाना कचहरी बंद कराए, महिलाओं की शिक्षाओं के लिए ये किया, पानी दिए, बिजली दिए, कुछ तो लोग उम्मीद करके बाहर कर रहे होते। आज इस भारी तादाद में हर वर्ग से अगर समर्थन मिल रहा है तो लोग किसी ना किसी वजह से नाराज़गी भी है, बेबसी भी है और डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई हमारे किसी तरीके से किसी वजह से काम नहीं हो पाए। हमने इन्हें मौका दिया, चुनाव किया, आजमाइश की, ओहदा प्रदान किया, सरकार ने इज्जत मान दी, पर हमारे जो ज़मीनी तौर पे काम और जो किसी भी तरह की कार्यशैली या सुधार होना चाहिए था वो नहीं हो सका, तो उससे कहीं ये आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं जो आज मेरे साथ एक उम्मीद की किरण के साथ ये समर्थन जो मिल रहा है वो वहाँ से निराशा का मिल रहा है, उधर से निराशा है, इधर से आशा है, उसका जुड़ाव जो है ये भारी तादाद में समर्थन और मौजूद लोग जो खड़े हैं उस चीज़ का ये नतीजा है। लगातार बात कर रहे हैं, वो लोगों के बीच हैं, कार्यालय का उद्घाटन यहाँ करने पहुँचे हैं, इसके बाद अगले गांव में जो है जनसभा को भी संबोधित करेंगे, वहाँ भी देखेंगे कि लोगों की क्या सोच है, क्योंकि विकास तो जाहिर सी बात है मेवात में नहीं हुआ, तो क्या ये युवा इस मेवात को जो में विकास के लिए तरसता रहा है वो विकास दे पाएंगे? सुना आपके बारे में कि आपको करीब बहुत सारी भाषाएं जो है आप जानते हैं, तो कुछ भाषाएं, क्योंकि आप बीजेपी जो मैदान में हैं 75 बार इस बार के नारे के साथ है, कुछ दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हाँ वो कौन कौन सी भाषाएं हैं और अगर इस नारे को दूसरी किसी भाषा में बोला जाए तो किस तरह से? मैं अगर किसी दूसरी भाषा में बोलूँगी, पहले तो मैं 75 पार नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ 80 पार, उन जड़ा वक्त आएगा ना वो 80 पार लेके जाएगा सामने, क्योंकि इदा दी कोई ताकत नहीं है जी 80 पार नू पछाड़ देगी, 80 पार तो हैगा ही हैगा।
So yes, I was good at lot of languages internally and externally, and I could pick up languages easily. So देखते हैं, Hindi है, Mewati है, Urdu है, कुछ अगर foreign languages की बात, यूरोपियन कंट्रीज में एक साल गुजारा है, उसके बाद कुछ यूरोपियन कंट्रीज में मैंने अपनी इंटर्नशिप्स भी की हैं, और जब मैं दुबई में मैंने अपनी इंटर्नशिप की है, तो हर तरीके का अपना रसूल रखा है. और जो मेवा, अगर मैं आपके सामने मेवाती बोलूँगी, आप सोच नहीं सकते कि मुझे कोई और भाषा कुछ कुछ मेवाती में हो जाए, कुछ कुछ कोई गाना मेवाती का अगर आप कभी गुनगुनाते हो, क्योंकि यहीं से गाना तो शायद बेशक्र नहीं हो सकता, पर हाँ, जैसे लाली तो इस बार पार जाएगी, भाजपा सरकारी का तो पता नहीं, लाली इस बार पार जाएगी, लाली को इस बार पार जाना है, हमारी लाली है, लाली इस इलाके की है, जो मर्जी रुझान करा दो, लाली ने पार करा दो. जो मेरी आज की जीवन रेखा है, वो जो मैंने जीवन व्यतीत किया है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. मैंने एक बहुत फैंसी लाइफस्टाइल लीड किया है, इसको मैं ओपनली कहती हूँ, बहुत फैंसी, बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल देखा है. यहाँ पर आने के एक जो मेरे पे अल्लाह ने मुझे नवाज दिया है, कि जो मज़लूम लोग हैं, जो लोगों को पता ही नहीं है तरक्की से, रियलिटी से आदमी को जोड़ दिया. जिस टाइम आप रियलिटी से जुड़ते हैं, आपको खुद ब खुद एहसास हो जाता है कि यहाँ पे तरक्की की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. उसमें एक सबसे बड़ी जो बात आती है वो ये है कि मैं यहाँ पर ना शिक्षा के जो स्तर हैं उनको ऊँचा करना चाहती हूँ. महिलाओं के लिए कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी की डिमांड मेरी पहली डिमांड रहेगी भाजपा पार्टी से सरकार बनके, कि मेरे को यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी क्रिएट करनी है, डेवलप करनी है, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो उनको ये तो बताओ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है, डिग्री का फ़र्क क्या होता है, फ़र्क है क्या चीज़. देखिए, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि भाजपा पार्टी से मुस्लिम वोट्स नहीं जुड़ते थे पहले, और यहाँ पे अब ऐसा हुआ है कि मैं एक हिंदू कैंडिडेट हूँ. हिंदू कैंडिडेट जो एक अच्छी संपन्न परिवार से बिलोंग करती है, पर फिर भी जो मेयो वोट्स हैं 90% हैं. और मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, मैं मेयो कैंडिडेट हूँ, मुझे खड़ा करने वाले मुस्लिम वोट्स, मुस्लिम्स का और हिंदूज का एक कंबाइंड फोर्स है. ये एक सामाजिक चुनाव होगा इस बार. ढोल नगाड़ों के साथ जो है उनका स्वागत कर रहे हैं. उम्मीद नौक्षम को है कि इस बार जो है वो बीजेपी के लिए यहाँ से जीत दिलाकर, जो बीजेपी जो है हमेशा से एक सूखा रहा बीजेपी के लिए, उस सूखे को ख़त्म करेगी. तो और जो ये कमल है, मेवात नूह जिले के पुन्हाना में खिल पाएगा, तो ये एक उम्मीद लगाए हुए हैं. लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी हैं इस सब के बीच. एक बड़ी बात यह है कि जो महिलाओं के अंदर एक उत्सुकता है कि पहली बार उनके इलाके में एक महिला कैंडिडेट खड़ी हुई है, महिलाएं जनसभा स्थल तक तो नहीं आ रही हैं, लेकिन नौक्षम को देखने की जो उत्सुकता, रास्ते में भी देखा हमने कि जो देखने की जो उत्सुकता है महिलाओं में भी, खास तौर से कि कौन है नौक्षम चौधरी, और वो अगर यहाँ पर विधायक बनती है तो किस तरह का बदलाव आता है. नौक्षम चौधरी को जानते थे इससे पहले? इससे पहले तो नहीं, अब जानते हैं. क्या लगता है कि एक युवा चेहरा, युवा एक महिला यहाँ पर आई है, कुछ विकास, कुछ बदलाव होगा? बदलाव के लिए ही एकदम पूरा ब्लॉक इसके साथ में. पढ़ा लिखा हमारे कैंडिडेट है, बहुत अच्छा है. महिलाओं को लेकर थोड़ा सा जो है मेवात में ये रहता है कि बहुत ज़्यादा छूट और उस सब के पक्ष में नहीं रहता है, पुरुषों का जो है ज़्यादा होल्ड रहा है. तो ऐसे में एक महिला कैंडिडेट का आना, तो ऐसा तो नहीं कि पुरुषों को ये लगेगा नहीं हमारे बीच एक महिला कैसे विधायक नेता बन जाएगी? नहीं जी, कोई ऐसा नहीं लगता, हमको बहुत अच्छा लगा है. हमारी पढ़ी लिखी बेटी है कैंडिडेट, बढ़िया यहाँ विकास करेगी, और हम इसे भारी वोटों से जिताएंगे. मोहम्मद इलियास जैसे, रईसा खान जैसे जो है दिग्गज मैदान में, उनके बीच में नौक्षम चौधरी एकदम नई लड़की जो आकर खड़ी हुई है, क्या लगता है चुनौती दे देगी, टक्कर दे देगी? बढ़िया जी, खूब देगी चुनौती. वो तो कुछ भी ना करा जी, खाका दुनिया उफाड़ उफाड़ के और रखना कुछ भी सिवा खाना के, और कुछ है ही ना. अब हम कहा बताए, और कोई कार रोजगार कुछ ना है सिवा खाट खाट कर रखी दुनिया की. हाँ,
उम्मीद है पूरी पूरी। चलिए उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है कि एक युवा चेहरा है, शिक्षित महिला है, उनके बीच है, शायद कुछ काम कर दे। क्योंकि एक कॉर्पोरेट कल्चर को छोड़कर अपनी माटी में एक बार फिर से आना कहीं ना कहीं एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है बाकी लोगों के लिए भी, जो सिर्फ पैसा, कैरियर, शोहरत के लिए जो है अपने देश को, अपने शहर को, अपने गाँव को छोड़कर कहीं और बढ़ जाते हैं। लेकिन नौशम ने जो है एक अलग ही लकीर खींची है कि वो विदेशों से एक सुनहरा कैरियर छोड़कर अपनी माटी, अपने लोगों के बीच है कि मैं उनके लिए कुछ बेहतर कर पाऊं। और आपकी आशीर्वाद है कि आज मैं यहां कर रही हूं। कि आपने बात तो कही कि ये सारी चीजें होंगी, लेकिन सरकार तक ये मैसेज कि वो ये ग्राउंड पर वो काम हो, जो सुविधाएं वो मिले, वो पैरवी किस तरह से रखेगी, एक संशय लोगों को इस बात पर। देखिए, जब आदमी को, जब उनको पता है ये इस इलाके में ये मसले मसाइल हैं, तो सरकार खुद को खुद उन मसले मसाइल को पकड़ कर उन पर काम करना चाहेगी। और मेवाड़ हिंदुस्तान में सबसे पिछड़े इलाकों में आता है, ये तो बात जायज़ है, पर उसके लिए करना क्या है, क्या क्या ज़रूरतें क्या हैं, ज़रूरतमंद चीज़ें तो पहले उनको प्रदान करें, फिर ये अपने आप विकास की तरफ जाएंगे। क्या लगता है, प्यार मिलेगा लोगों का, और जो चंडीगढ़ विधानसभा की जो टिकट है अपने मत का उपयोग करके वो आपको देंगे, पहुंचाने का काम करेंगे? प्यार मोहब्बत आज भी मिल रही हैं, दुआएं मिल रही हैं, आशीर्वाद मिल रही हैं, और ये बात भी तय है कि ये एक तरफा जीत का हिसाब है, ये होगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं नौशम। तो हम लगातार नौशम के साथ थे, ये जाना कि किस तरह से एक लड़की विदेश में जो है अपना कैरियर बना रही थी, वहाँ से अपने कैरियर को छोड़कर वो अपने पैतृक गाँव उन्हाना पहुँची और अब राजनीति के अखाड़े में कम ही समय में बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, और पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्हाना से उन्हें टिकट भी मिला। चुनौतियां बहुत सारी हैं, विकास को लेकर भी बातें की गई हैं, दावे भी हैं, इस सब के बीच जो सामने प्रतिद्वंदी हैं वो भी बेहद मजबूत है। तो अब ये देखना होगा कि जो मेवात उन्हाना की जो जनता है नौशम को वो प्यार, अपने मत का जो प्यार है वो देती है, और उसको देकर क्या चंडीगढ़ तक भेजने का काम करती है। तो ये था हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम चलो चंडीगढ़।